अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्यूटीफुल सा व्यू जो कि आपको नज़र आ रहा है, और ये है लाफार्ज लेक इन कोकेतलम। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जिन्होंने वॉक करनी है तो उनके लिए तो बेस्ट है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आइसक्रीम इन वैंकूवर। एक्चुअली इसकी खास बात यह है कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी सब प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि मुझे क्यों पसंद है। यकीनन आपको भी ये पसंद ज़रूर आएगी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको कैप्चर करके इसमें वीडियो में बताऊं कि ये बनती कैसे है और इसका सारा प्रोसीजर क्या है, लेकिन उस टाइम पे इतना पीक टाइम था, इतना रश था वहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो मुझे अलाउ करते मैं वीडियो बना सकूँ। तो मैंने जितनी भी कोशिश की बाहर से वीडियो बनाने की कोशिश की, और ऐसा था कि जब मैं वीडियो बनाई थी जो एक एम्प्लॉय थी वो थी थोड़ी सी शर्मा रही थी, और उसको देख के मुझे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि जब कोई शर्मा रहा और वो हंस रहा तो फिर जाहिर सी बात है नॉर्मल पीपल हंस पड़ता। तो ऐसा हुआ कि मुझे मज़ा आया, और ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम थी। इसका एक फ्लेवर है नोटेला वन, वो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, अदरवाइज इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। जब कभी आप बाहर होते इतना ज़्यादा शोर होता है, और ऐसा क्यों होता है? ये वीडियो मैंने यकीन माने आप लोगों के लिए सिर्फ पार्किंग लॉट में बैठ के बनाई है। अब देखें मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये फाउंटेन देखिएगा, इसके अंदर रेनबो जो है वो बिल्कुल भी एडिट नहीं है, ये रेनबो बिल्कुल ओरिजिनल बन रही थी, और इतनी को खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे व्यू। मैंने लुक एट मामा अमानिया। यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की बात हुई कि जब हम अमानिया और मैं वहाँ बैठ के डक्स के पास आइसक्रीम खाने लगे थे, तो जो डक्स थी वो हमारे पास आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे उन्हें आइसक्रीम चाहिए, लेकिन शायद उन्हें पसंद नहीं था कि हम यहाँ उनके पास बैठे और उन्हें हमें देखें। लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और मोस्टली ज़्यादातर लोग वॉक कर रहे थे, इसलिए शायद वो किसी को कुछ कह नहीं थी, लेकिन जब भी कोई इनके पास आता था तो वो उन्हें ज़रूर तंग करती थी, है ना मानिया? या डर गई थी क्योंकि मैं बेफ थी। आपने डरी थी? मैं बेफ थी इसलिए मैं गुड गर्ल थी। फिर वहाँ से उठ क्यों गई थी? मैं ओनली ग्रीन डस्ट पर स्केयर्ड नहीं होती। ग्रीन डस्ट से स्केयर्ड नहीं होती? नहीं। और ये जिसकी लॉन्ग नेक थी उसे स्केयर्ड हो गई थी? या बाबा को कितना तंग कर रही थी ना ये? हाँ। इस डक की भी इतनी ही लंबी जुबान है जितनी आजकल के दुनिया में लोगों की जुबान है, और इसकी जुबान देख के मैं इतना खौफ से दौड़ रही थी। वो आपके हाथ को देख रही है। मानी आप खाओ ना। नहीं बोबो वी डोंट हैव एनीथिंग। एक को भी दे दिया ना। हाँ सारी आ जाएंगी। आई लाइक डकीज। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस व्यू। सो क्यूट डकीज। डक्स वाले एरिया में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमारे और हैदर को बहुत अच्छे लगते थे डक्स को देखना। और उसके बाद हमने सोचा चलो वॉक भी स्टार्ट करते हैं, तो हम वॉक करने के लिए ऑल अराउंड द लाफार्ज लेक हमने वॉक की। लाफार्ज लेक मैन मेहर है, जिसको मैंने आपको बताने के लिए गूगल किया है, और ये आई गेस 1950 में ये जो लैंड है ये अलॉट हुई थी लाफार्ज लेक बनाने के लिए। सो अमानिया को हैदर से बहुत प्यार है, उसका दिल चाह रहा था कि वो वॉक कर रहे हैं, सारे लोग इसको देख के हंस रहे थे। एंड देन हमने सोचा कि चलो अब बच्चों को बहुत बोरिंग हो गया तो वॉक भी होगी, जिसमें बच्चों को कहीं पार्क लेके जाते हैं। पहले तो हमें करीब करीब कोई पार्क नज़र नहीं आया था, लेकिन आगे जाके हमें एक पार्क एरिया नज़र आया। थैंक गॉड कि पार्क एरिया नज़र आ गया, क्योंकि बच्चों को वॉक करना इतना बुरा लग रहा था। मैंने फिर सर्च किया कि हमारे पास पास कोई अच्छा सा पार्क हो या फिर प्ले एरिया हो। थैंक गॉड हमें लाफार्ज लेक का ही पार्क मिल गया था, वो अदर साइड पर था। हम ऑल द वे वहाँ पर वॉक करके गए, और अमानिया और हैदर ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था हम दोनों को हैंडल करना, क्योंकि ये सिर्फ कह रहे थे हमने कहीं जाना है कहीं जाना है, और जो अमानिया ने कहना है और हैदर ने वो ही कहना है। हाँ हैदर भी वहीं पर सेम वैसे इज्जत कर रहा था, क्योंकि यहाँ से बड़े बहन भाई बच्चों के मेंटोर होते हैं। आपको यह साइड पर फ्लोर पर कुछ वाइट वाइट नज़र आएगा, तो ये स्नो बिल्कुल भी नहीं है, ये है पोलन, जो कि इस मौसम इतनी ज़्यादा हो जाती है, और इससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, किसी को साइनस प्रॉब्लम होती है, और किसी का अस्थमा प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट एलर्जीज बॉडी पे हो जाती हैं। मुझे ये पोलन बहुत बुरा आता है, जब भी आप कहीं वॉक करते हैं हवा चल रही तो उनके आपके नाक में ऐसे आके घुसता है, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कैसी इरिटेशन होती होगी।
ये वाली वीडियो मैंने इंतहाई मुश्किलों से बनाई है। इतने दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं इसको एडिट करूँ, और कभी मुझे पार्किंग लॉट में बैठना पड़ता था, कभी बच्चों के साथ लेट के वीडियो बनाती थी, और ये टाइम मेरा इतना सारा बिजी गुजरा कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर ही नहीं पाई। ये वीडियो यकीन माने मैंने तकरीबन ना 4-5 दिनों के अंदर बनाई है, और इसके ऊपर एक लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। आपने भी नोट किया कहीं पर मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ और कहीं पर थोड़ा ऊँची, तो माजरत के साथ ये मैंने वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई है। लें जी, ये है हमारे पहलवान साहब जो कि ऊपर जा रहे हैं सनलाइट पर। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है। वैसे मेरा भी दिल चाहता है इसे क्लाइंबिंग करने का। आई विश मेरे टाइम पे भी ऐसी कोई चीज़ होती जिसके ऊपर मैं क्लाइंब करती। लेकिन आई रिमेंबर वंडरवर्ल्ड पाकिस्तान में था जहाँ पर मैं क्लाइंब कर लिया करती थी। मैं छोटी नहीं थी तब, मैं बड़ी थी, लेकिन चलो चलता है इतना तो। यहाँ पर मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि बहुत सारे गोरे हमें देख रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो के अंदर मैं बच्चों की साउंड ज़्यादा एडिट करूं, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर था, माएँ बच्चों पे और बच्चे माओं पे चिल्ला रहे थे। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो होते हैं वो माओं के साथ चीख चीख के बात कर रहे थे। यहाँ पर हैदर मुझे काफ़ी देर से कह रहा था कि मुझे हेल्प कर दें। आंटी को इसने कहा, ऊपर लड़की को कहा, किसी ने हैदर की हेल्पिंग की, लेकिन मुझे था मैं हैदर की हेल्प कर दूँ, लेकिन हैदर से वेट नहीं हुआ क्योंकि मैं वीडियो में आई थी। इसने उससे करने की कोशिश की तो मैंने भी इसको अलाउ कर दिया। ओके हैदर जाऊँ, मैं देख रही थी कि जैसे ही गिरेगा मैं फ़ौरन जाके इसे पकड़ लूँगी, लेकिन हैदर बहुत अच्छा है इस चीज़ में कि वो बहुत एहतियात से काम करता है, और इतनी ग्रिप के साथ उसने होल्ड करके रखा होता कि मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई थी। और मैं बहुत खुश थी कि यार शुक्र है इससे इसने खुद से भी तो कुछ किया। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हर वक्त बच्चों को ये ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसे छोड़ो। यार उनके दिमाग इस्तेमाल करने दो, उन्हें खुद भी कुछ करने दो। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत खुद भी कुछ करें, लेकिन मैं इनके पीछे पीछे ज़रूर रहती हूँ ताकि उन्हें ये भी फील ना हो कि मामा कुछ करने नहीं देती, और ये भी फील ना हो कि हम लोग तो आज़ाद हैं। तो थोड़े नज़र भी रखती हूँ और उन्हें करने भी देती हूँ। यहाँ पर हैदर कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ कोई चले, इस बच्ची को भी कह रहा था, लेकिन किसी ने हैदर का हाथ नहीं पकड़ा। मुझे इतना तरस आ रहा था, फिर मैंने हैदर से कहा, हैदर मामा का हैंड होल्ड करें, और क्योंकि मैं नीचे थी तो हैदर ने मेरा हाथ तो पकड़ा, लेकिन हैदर एकदम से स्लिप हो गया। लेकिन ये बहुत मज़े की स्विंग्स से था, हैदर इसके ऊपर बाद में काफ़ी खुश रहा और उसने इसके ऊपर जंपिंग किया, और फिर मज़े की बात इसने फर्स्ट टाइम मुझसे जाके स्लाइड की, जो कि एक मदर के लिए बहुत अचीवमेंट वाला काम होता है। मुझे जब बच्चा खुद से कुछ काम करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शुक्र है मैंने कुछ अपने बच्चों को सिखाया। जब वो मुझे परफॉर्म करके दिखाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आपकी मेहनत रंग ला रही है। पहले हमेशा बच्चों को बोलने का, खुद जाओ बच्चों के साथ करो, लेकिन जब वो खुद से करते हैं तो उन्हें देख के बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मानिया चढ़ रही है, वैसे तो ये स्लाइड है, लेकिन इसको बच्चों ने चढ़ने के लिए बनाया था, शुक्र चढ़ने के लिए बनाया था। अगर इमेजिन करें इससे बच्चा स्लाइड ले किया था तो उसे कहाँ कहाँ बचती, क्या चीज़ बनाई है। मौसम था गर्म और बच्चे यहाँ पर खेलते हुए थक गए थे, तो बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक वाटर पार्क था जहाँ पर हमानी और हैदर को हमने कहा कि आप दोनों नहा लो, हमारे पास आप लोगों के कपड़े हैं, हम आप लोगों को चेंज करवा देंगे। वहाँ पर हमानी और हैदर ने बहुत इन्जॉय किया, और लिटरली वहाँ पर ये बच्चा था सामने जो शिवर कर रहा था क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, धूप ऊपर से बहुत तेज़ थी। मज़ा तो बहुत आया था लेकिन पानी बहुत ठंडा था। पहले तो हमानिया ने ओके टेस्ट किया, हाँ इट्स नॉर्मल मैं जा सकती हूँ। काफ़ी देर तक हम इसे पुश करते रहे, हमानिया हैदर को जाएँ इट्स ओके कुछ नहीं होता। फिर इन दोनों ने जो अपने आप को रज के गीला किया, लेकिन मुझे मज़ा इसमें आया वीडियो बनाते हुए, आप लोगों को शेयर करते हुए। और फिर हम लोगों ने इनको चेंज करवाया, हम लोगों को भूख लगी थी, हम गए क्रिस्पी क्रीम जो कि कनाडा के सबसे बेस्ट डोनट्स हैं,
इसकी मेकिंग चेक करें आप, कितने खूबसूरत लगता है और इसकी खुशबू इतनी को मज़े की आती है, इसका कोई जवाब नहीं है डोनट का। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, मुझे इतना स्वीट नहीं पसंद, तो मेरे लिए एक डोनट एनफ होता, बट स्टिल इट्स यामी। डोनट वहाँ पर खड़े होकर अगर खाएँ तो इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है क्रिस्पी क्रीमी इसकी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि पूरे वैंकूवर में एक ये ब्रांच है जो मैंने अब तक देखी है, जो कि डेल्टा में। आपको भी देखने में यकीनन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये बहुत ही मज़े के थे। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और दुआ करें नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आए। अल्लाह हाफ़िज़।